Assalamualaikum guys, what's up? So this is my first vlog और दो तीन comments आए हुए थे मेरे previous videos पे. उसमें एक comment था कि why don't you use your face while reviewing the products. तो उसकी brother ये reason ये है कि एक तो मुझे वो वाला जो style है वो ज़्यादा बेहतर लगता है. उसमें ये होता है कि जो viewers होते हैं देखने वाले उनको एक तो फ़ोन का ज़्यादा in-depth review जो होता है एक्सप्लेनेशन ज़रा आपको बेहतर मिल जाती है. अगर आप फेस रिवील कर रहे हो तो उसमें आप अपना आप भी सारा दिखा रहे होते हो एज वेल एज फिर उसमें ये होता है कि कुछ चीज़ें बाज़ औक़ात मेरे ख्याल से रह भी जाती हैं, आप सारा कुछ दिखा पाते हैं. और अगर आप फेस रिवील कर रहे हो तो उसमें फिर मसला ये आता है कि आपने अपने आप को जब दिखाना होता है ना तो फिर सारा वीडियो जो होती है ना वो काफ़ी लंबी बन जाती है. वो 10 मिनट्स प्लस की वीडियोज़ बन जाती हैं, इवन 15 मिनट्स की बन जाती है. तो फिर व्यूअर्स को थोड़ा सा इशू ही होता है कि 15 मिनट की वीडियो आप कौन देखें. तो एक तो ये रीज़न है. दूसरी रीज़न ये है कि आई मोस्टली शूट माई रिव्यूज़ इन 4K. तो जो 4K की एडिटिंग होती है वो थोड़ी सी फिर जो है ना मुश्किल हो जाती है जब आप इतने ज़्यादा अपडेट्स आ जाते हैं. अब अगर अपना आप भी शो करना चाहते हो उसमें एडिटिंग के काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आते हैं, मुश्किल होता है थोड़ा एडिट करना उसको. तो फिर वो क्वालिटी कॉन्टेंट नहीं रह जाता एक तरह से देखा जाए तो आई विल ट्राई माई बेस्ट. वैसे तो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट आई विल ट्राई 2 to 3 रिव्यूज़ में मैं ट्राई करके देखूंगा कि फेस रिवील में कैसा लगता है बंदा एडिट कर ले उसको सारा एक दफ़ा चेक करके देखूंगा. अगर तुमको अच्छा लगा तो आई विल अपलोड इट. और दूसरा क्वेश्चन ये था कि कंसिस्टेंसी और व्हेन इज माय नेक्स्ट रिव्यू अपकमिंग. तो नेक्स्ट रिव्यू यार इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ही आ जाएगा आई गेस, क्योंकि कोरोना वायरस का इशू चल रहा था, कुछ प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटीज़ नहीं हो रही थी कि आजकल मोबाइल शॉप्स भी कभी बंद हैं कभी खुल रही हैं, कुछ प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही. मतलब जिस पे मैं वर्किंग कर रहा होता हूँ इस पर मैंने एक माइंडसेट बनाया होता है कि अच्छा यार अब इस पर मैंने वर्किंग कर ली बस अब ये फ़ोन मिल जाएगा तो आई विल रिव्यू इट. तो वो फिर मिल नहीं पाता अनफॉर्चुनेटली. फिर मैं माइंडसेट एक बना होता है फिर बंदे को होता है यार अब वो आएगा तो फिर वही बनाऊँगा, मैं दूसरे पर वर्क नहीं करूँगा. तो वो अब खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ईद ही है. ईद के फौरन बाद जो है हम ईद की छुट्टियों के बाद आई गेस मैं सैटरडे को अपलोड करूँगा एक और वीडियो, तो वो टेक्निकली होगा इंशाल्लाह. और आई विल ट्राई कि मैं उसमें फेस रिवील कर दूँ. तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा स्टाइल बेटर लगता है. दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 8 दिन से मैंने अपलोड नहीं किया कोई कॉन्टेंट यूट्यूब पर. तो आज अब इस वीडियो इस ब्लॉग का बनाने का मकसद ही है था कि टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब. तो आज टेक रिव्यू तो कोई नहीं है तो आई विल शो यू माई डेली रूटीन व्हाट डू आई डू इन माय डे क्या करना है आज. तो एक महीना बल्कि 35 to 36 डेज हो गए हैं ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी में खुली. तो आज कार वॉश के लिए चलते हैं, ईद भी आ रही है तो लेट्स गो. गर्मी है बाहर के बस तौबा करें आप लोग, इस वक्त बहुत गर्मी है बाहर और हवा नाम की चीज़ ही कोई नहीं है. कार वॉश हो गई है और 1.25 घंटा लगा पूरा, गर्मी ठीक ठाक थी बाहर. ऑलराइट गाइस, दिस वाज टुडेज व्लॉग. लाइक इफ यू एंजॉयड द व्लॉग और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको और व्लॉग्स देखने हैं. दूसरी चीज़ ये है कि आज इतना कुछ ज़्यादा किया नहीं है व्लॉग में, कुछ पेंडिंग काम थे नहीं ऐसे सच. और कुछ एक तो पैरा ब्लॉग है मुझे समझ भी नहीं आती मैं क्या करूं इसमें. तो नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह उसमें कुछ ना कुछ हैपनिंग होता रहेगा, कुछ एडवेंचर्स होंगे.
तो इंशाल्लाह इसके बाद फ्यूचर में इंशाल्लाह ब्लॉग्स आते रहेंगे, टेक रिव्यूज़ भी आएंगे, और टेक रिव्यूज़ के साथ साथ आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड एटलीस्ट वन और टू ब्लॉग्स साथ साथ चलते रहें, वो भी इसी चैनल पर करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, पीस आउट।